अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हस्बे रिवायत जो है वो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो भी मैं बना रहा हूं माशाल्लाह उसको बहुत आप पसंद कर रहे हैं और इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत करते रहें। और कल के बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आए हुए हैं आपके कि जो मैंने बिरयानी तैयार की, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद की आपने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात ये है कि मैंने ये फैसला किया है माशाल्लाह आपके प्यार और मोहब्बत को देखते हुए कि कोशिश करूंगा बीच बीच में कोई ना कोई नमकीन जो है उस डिश को भी डालूं। मैं साथ साथ मिठाई भी चलती रहेगी और आप नमकीन जो है इसको भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा काम वैसे वैसे इंशाल्लाह रेसिपियाँ भी आपकी बढ़ती जाएंगी। इसी तरह आप प्यार और मोहब्बत करते रहें। और आपका एक एक कॉमर्स जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह सबके जवाब जो है वह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आपको देता रहूँ। तो आज जो है ये गुलाब जामुन खोए वाली बनेगी, ठीक है, बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी जो टिपे हैं वो मैं आपको समझा दूँ और इंशाल्लाह आपको भी देखने में भी मज़ा आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। एक पाव मेरे पास खोया है बाजार से, आपने अच्छा वाला किसी भी दुकान से, दूध की दुकान से या मिठाई की दुकान से उनको बोलिएगा कि हमने अच्छा वाला खोया मुझे चाहिए। तो एक पाव खोया आपने ले लेना है और खोए को अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है जैसे मैंने इसको देखा हुआ है, क्योंकि ये खुली जगह पे बनता है, इसमें कोई तिनका लकड़ी ये वो जो है वो इसमें ना निकल आए। तो इस चीज को जरा देख लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि इसकी रेसिपी जो है वो बहुत आसान मैंने कर दी है कि आपकी एक पाव खोए के अंदर आपने क्या करना है कि एक चम्मच अंडे का फेंट के आपने वो डालना है, ठीक है। एक चम्मच अंडा है इसके अंदर, 2 चम्मच इसके अंदर मैदा है और 1 चम्मच जो है वो सूजी है। अच्छा, आपने अंडे को क्या करना है, क्योंकि इत्तेफाक में टीवी पे था तो इसी तरह मैंने आधा किलो की जो है वो रेसिपी मैंने बता दी कि जी आधा अंडा अंडा आपने डालना है इसके अंदर, आधा किलो की रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 दिन, एक लेडी थी, 8 दिन तक इंतजार करती रही। बुध के बुध मैं आता था तो उसमें ये हुआ, तो पहली कॉल ही उनकी आई कि सर जी मैंने खोया वो रखा हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रही है जी वो अंडे को आधा किस तरह करना है। तो ये बड़ी मुझे हंसी वाली बात है और बड़ी अजीब सी बात लगी। तो देखिएगा, अंडे को तोड़ के फेंट दिया मैंने बिस्क के साथ, आपने फेंट लेना है उसको। फेंट के आपने 1 चम्मच जो है वो भर के इसके अंदर आपने डाल देना है, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा, ये देखें, ठीक है। ये आपने इसके अंदर एक पाव खोए के अंदर आपने डालना है और उसके साथ सूजी भीगी हुई 5-10 मिनट पहले जो है वो सूजी को भिगो लीजिएगा। और अगर इसमें जायद मिकदार पानी हो तो आपने इसको ड्रेन कर लेना है और ड्रेन करने के बाद जो है वो 1 चम्मच सूजी का जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। दो चीजें आप देखें, तीसरी चीज जो है वो है घी। मेल नहीं करना, गरम नहीं करना, ठंडा घी आपने लेना है। इस घी को आपने क्या करना है कि 2 चम्मच इसके अंदर घी डाल देना है, ठीक है। 2 चम्मच घी इसके अंदर चला गया, ठीक है। उसके साथ 4 से 5 इलायची के दाने हैं जिसको मैंने रगड़ा मार के बारीक कर लिया है। पहले छिलके को फेंका, उसके बाद फिर मैंने इसको रगड़ा मारा है और मार के मैंने इसको जो है वो बारीक कर लिया। और ये अब इसके अंदर जाएगा सोडा और मैदा, ठीक है। देखिए मैं फिर आपको समझा दूं, आपने इसको रिपीट करके आराम से जब भी आपने रेसिपी बनानी है तो आपने इसको स्टॉप कर करके तो आपने रेसिपी को बनाना है। एक पाव मेरे पास खोया है, इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो अंडा मिक्स किया हुआ है, ठीक है। 1 चम्मच इसके अंदर सूजी है, 2 चम्मच मैंने ठंडे घी के, ठीक है, ठंडे घी के मैंने 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद 5 इलायची के दाने जो हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए। अब आ गया सोडा, ठीक है। सोडा जो है वो आपने ये देखें, एक चुटकी और ये 2 चुटकियां, 2 चुटकी सोडा आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है, ठीक है। पहले मैं इसको मिक्स करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मिक्स करने के बाद
लास्ट में आपने इसके अंदर मैदा डालना है, इस चीज का ख्याल कर दीजिएगा, ठीक है। पहले मैदा ना डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपसे ये रेसिपी जो है खोया चीड़ा हो गया तो मैं समझता हूं कि वो आपको परेशान कर सकता है। ये ना कीजिए, आखिर में मैदा रख छोड़ दिया, जब आपने देखा कि ये घी डाल लिया, मैंने सूजी डाल ली, सोडा डाल लिया, उसके बाद अंडा डाल लिया, इलायची जो है वो डाल ली, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, मुलायम करेंगे, और लास्ट में जो है इसके अंदर मैदा 2 चम्मच शामिल करेंगे, ठीक है। ये तो हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इधर हमने क्या किया हुआ है कि आधा किलो चीनी और 1 पाव पानी, आधा किलो चीनी 1 पाव पानी, क्योंकि मेरे पास खोया ही जो है वो 1 पाव है, और इसके अंदर पानी डाल के मैंने चूल्हे को स्टार्ट कर दिया। तो ये माशाल्लाह उतनी देर में, जब तक हमारी रेसिपी जो है इधर से होगी, उतनी देर में हमारा जो है ये शुगर सिरप तैयार होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर जो है वो शीरा पड़ा हुआ है, पहला शीरा बचा पड़ा हुआ है, तो छान के आपने उसी को यूज कर लेना है। आप अंदाजे से देख लीजिएगा कि अगर आपके पास आधा किलो के करीब आपके पास शीरा है तो आप वही इस्तेमाल कर लीजिएगा। आधा किलो चीनी 1 पाव पानी है, तो यही लिमिट आपने रखनी है। अगर शीरा है तो वो देख लीजिएगा, अगर फ्रिज में पड़ा हुआ गाढ़ा है तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल के आपने उसको लेवल का कर लेना है। कोई चिपचिपाहट इसमें नहीं चाहिए, कोई इसमें वो नहीं चाहिए, एक उबाल आएगा और हमारा शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे शीरा जो है ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। आधा किलो चीनी और 1 पाव पानी का शीरा रेडी हो चुका है, इसको उबाल आ चुका है। इसके ऊपर जो भी वेस्टेज हो ना, थोड़ी सी इसके ऊपर वो झाग सी आती है, तो आपने इसको उठा लेना है, और मैंने ये मुनासिब समझा आपको कि आपको मैं दिखा दूंगी, ठीक है। अब मैंने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया, जब तक हम इसको चेक करेंगे, हम इसकी रेसिपी लगाएंगे, उतनी देर में हमारा शीरा जो है वो नॉर्मल आधा ठंडा हो जाएगा, आधा ठंडा हो जाएगा। आपने इसको गर्म ही रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। ठंडा हो तो आपने गुलाब जामुन डाल ले, इस चीज को हटा दीजिएगा। ये इतना गर्म है कि 100 पे इसका टेम्परेचर है, आपने बस ये 50 तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर आप इसको हाथ साइड पे लगा के देखेंगे, ये देखें इसका कोई वो तार वार नहीं है, कोई ये वो नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि आधा किलो चीनी और 1 पाव पानी का शीरा आपने रखना है, उसको उबाल आए तो आपने उसको बंद कर देना है। अच्छा, अब आ जाए रेसिपी की तरफ, और ये हमारी रेसिपी जो है ये रेडी हो गई। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको पहले तो मैश करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर देखें वो उसकी खोए की जो है वो अंदर गुठली होती है, और ये चीजें होती हैं, तो इसको जरूर आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है हाथ की मदद से। जब आपको गुठली लगे कि इसके अंदर गुठली है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको मैश करना है, ठीक है। इसके अंदर मुझे नजर आ रही है कि इसके अंदर गुठली है, तो मैं जरा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूं, उसके बाद मैं मैदा डाल के आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, माशाल्लाह ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है। वो सूखा थोड़ा सा मैदा होता है, अगर सॉरी खोया होता है जिसमें वो या साइड पे खोया लग जाए, वो भी इसमें सख्त थोड़ा सा वो होता है, तो मेरे हाथ को लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, पहले तो इसको मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूं, ठीक है। मैश करके तो मैं फिर आपको बताता हूं। आप देखें कि ये बिल्कुल नरम सा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है तमाम चीजें डालने के बाद, अब इस चीज को फॉलो कीजिएगा कि डालने के बाद, मैंने दोबारा आपको बता रहा हूं कि 2 चम्मच जो है वो आपने मैदा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। वो जरा ज्यादा चोटी वाला भर गया था, तो ये दूसरा मैंने हल्का कर लिया है, ठीक है। ये 2 चम्मच इसके मैदे के, अब मैं इसको हल्के हाथ के साथ जो है वो मिक्स करूंगा, ठीक है। हल्के हाथ के साथ मिक्स करके मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, ये हमारी डो जो है ये तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस डो को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हाथ, एक तो हाथ नहीं आ रहा, दूसरा ये है कि मजा नहीं आ रहा काम करने में, तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। अच्छे तरीके से मिक्स मैंने कर लिया है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी डो बनी है इसकी, चिकनी सी और बड़ी जबरदस्त सी इसकी डो जो है ये बन चुकी है। मैं आपको दिखाऊं कि ये माशाल्लाह इसकी डो है, ठीक है, ये गुलाब जामुन की डो है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर ज्यादा गर्मी हो तो हाथों को ये देखें घी लग रहा है ना, तो आपने क्या करना है कि इसको कुछ देर के लिए उठा के आपने फ्रिज के अंदर रख देना है, ठीक
ठीक है, 5 से 10 मिनट उसके बाद फिर निकाल के ला के आप इसको निकाल लीजिएगा। और मैं अब जो है वो घी को गर्म करूंगा और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा माशाल्लाह जो है ये घी जो है ये नॉर्मल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म आपने नहीं करना इसको। ठीक है, मैं आपको एक गोली डाल के इसके अंदर गुलाब जामुन की मैं दिखाऊंगा पहले कि इस ताव पे आपने इस हीट के अंदर इतने टेम्परेचर पे आपने इसको डालना है। ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उसकी भी एक टिप दे दूंगा आपको कि अगर फर्ज करो थोड़े से तेज ताव के अंदर फौरन डालते 2-3 सेकंड के अंदर जो है आपकी गुलाब जामुन लाल हो जाती है, तो आपने घी ठंडा आपके पास हो वो आप उसके अंदर थोड़ा सा शामिल करके आपने उसको कूल डाउन कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अच्छा, इसके तो आपको पता है मैंने पेड़े बनाने हैं। ठीक है, इसकी इस तरीके से आपने गोलियां बना लेनी है और गोलियां बनाने के बाद जो है वो इसको आपने गोल कर लेना है। ठीक है, ये छोटे छोटे इक्वल पेड़े आपने बना लेने हैं। अभी मैं इसको इसी तरीके से बना के तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको गोल करके दिखाता हूँ कि इसको दबा के किस तरीके से आपने गोल करने हैं। अच्छा, ये पेड़े जो हैं ये हमारे तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इस पेड़े को पकड़ के, खैर मैं तो दो दो बना लूंगा, ये दो बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको जो है वो माशाल्लाह चिकनी जो है आपने इसको इस तरीके से घुमाना है और बिल्कुल चिकनी आपने करना है इसको। ठीक है, ऊपर से खूबसूरत हो इस तरीके से आपने ये देखें चिकनी गुलाब जामुन। ठीक है, इस तरीके से आपने एक एक करके आपने इसको जरा सा पहले दबा लेना है, आपने बेशक इस तरीके से आपने दबा लेना है और दबाने के बाद आराम से आपने फिर इसको गोल कर लेना है। ठीक है, ये आपकी बेहतरीन और चिकनी गुलाब जामुन तैयार होगी। ठीक है, थोड़ी सी गर्माइश है, गर्माइश की वजह से जो है ये आपको घी नजर आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रखा है। अब इंशाल्लाह ये अभी तैयार हो जाएंगी। मैं अभी इसको गोल करके, गोल करने के बाद जो है वो मैं आपको इसके बारे में, घी के बारे में समझाऊंगा जो कि बहुत अहम नुक्ता है। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको घी के अंदर डालना है। शीरा जो है वो हमारा हल्का गर्म, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमारा शीरा जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने डालनी है। तो आपने क्या करना है, एक टिप और दे दूं आपको कि आपने एक गुलाब जामुन पहले फ्राई कर लेनी है। ठीक है, फ्राई करके निकाल के शीरे के अंदर डाल के आपने उसकी सॉफ्टनेस देख लेनी है कि आया माशाल्लाह ये खुलती तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, सख्त तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ये चीजें आपने जरूर देख लेनी है। तो मैं क्या करूंगा कि एक गुलाब जामुन जो है वो मैं घी के अंदर डालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। डालने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है ये पकना शुरू हो जाएगी, पक के ये ऊपर आ जाएगी, फिर हम इसका चूल्हा जो है वो खोलेंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि जब ये उठ के ऊपर आ जाती है तो फिर हम इसको देख लेते हैं कि आया ये इसके अंदर सॉफ्टनेस कितनी है, ये क्या करेगी, ये खुलेगी तो नहीं, या ये बैठेगी तो नहीं, या गड्ढे तो नहीं पड़ेंगे। तो ये चीजें हम इसके अंदर देख लेते हैं जब ये उठ के ऊपर आएगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये माशाल्लाह ऊपर आई, मैंने थोड़ा सा चूल्हा इसका खोला है और ये लाइट ब्राउन जो है ये हो चुकी है। ठीक है, अभी पकी नहीं है। अब मैं चूल्हे को नरम करके, मसके हल्का करके मैं इसको इसी तरीके से मैं इसको जो है वो पका के लाल करके मैं अब शीरे के अंदर इसको डालूंगा। परफेक्ट गुलाब जामुन है माशाल्लाह, नरम भी है, बेहतरीन भी है, फूली भी सही है। अब मैं इसको ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल माशाल्लाह पेट इसका खाली है और ये बड़ी प्यारी गुलाब जामुन जो है इसी रेसिपी से ये रेडी होगी। अब मैं इसको लाल करके जो है वो निकाल के शीरे में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये देखूंगा, थोड़ा सा मैं इसको और गर्म करूंगा और पूरा बैग डाल दूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और गर्म करूंगा क्योंकि उठ के मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, बैग जो है ये बड़ा है, 1 पाव का एकदम डालूंगा मैं। ठीक है, तो वही ना हो कि ये खुल जाए। जैसे ही आप डालोगे तो उसके बबल जो है इस तरीके से, जैसे ये बबल आ रहे हैं ना, इस तरीके से बबल जो है ये निकलने चाहिए इसमें से। ये देखें बबल आ रहे हैं ना, इस तरीके से जैसे ही आप डालेंगे तो इसके बबल निकलेंगे। आपने चूल्हे को हल्का कर देना है, ये जेहन में रखिएगा, चूल्हे को हल्का करना है जब आपने जाके इसके अंदर बैग डालना है। ठीक है, तो ये देखें, ये आप जो है ये थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि
चूल्हे को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो करने के बाद जो है अब मैं इसमें गुलाब जामुन जो है वो डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। ठीक है, ये सारे गुलाब जामुन जो है वो इसमें चले जाएंगे। माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े प्यारे, आप ट्राई करें इंशाल्लाह। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो मैं हूं ना, आप मुझसे फ़ोन पे उस पर सॉरी कमेंट लिखें तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। अगर वो कमी बेशी होती है, एक पाव तो आपके पास गुलाब जामुन है, और कच्ची गुलाब जामुन के अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने हलाना भी है तो इसको इस तरीके से आपने इसको हला देना है कि ये पेंदा जो है उठ के ऊपर आ जाए गुलाब जामुन हमारे। ठीक है, अच्छा ये आपने देखा कि माशाल्लाह ये उठ के ऊपर आ गए हैं। मैंने चूल्हे को जो है ये फुल कर दिया है। अब जरा सा ये लाइट ब्राउन होंगे, तो जैसे ही लाइट ब्राउन होंगे तो मैं इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल जीरो पे कर दूंगा, और इसी गर्म घी के अंदर मैंने इसको फ्राई करना है। ठीक है, इसी तरीके से जरा सा और कलर आता है तो मैं इसी घी के अंदर इसको फ्राई करूंगा बड़े आराम से, क्योंकि अंदर तक जो है ये पक जाए। अच्छा जी, आपने देखा कि ये माशाल्लाह सुर्ख हो चुके हैं। ठीक है, और अब मैं हल्के आंच पे इसको इसी तरह पकाता रहा हूँ, और अब माशाल्लाह ये पकने पे हैं तो मैं क्या करूँगा, जरा सा चूल्हा खोल दूंगा। इसका मतलब ये कि जो इसने घी उठाया हुआ है गुलाब जामुन ने, ये छोड़ देगी। ठीक है, इसको इसी तरह चला के अभी मैं 2 मिनट के बाद इसको उठा के शीरे के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको चलाता रहूंगा, क्योंकि इसके फुल चूल्हे के अंदर जो है आंच जब नीचे से गर्माइश आती है तो ये फिर जो है उठाया हुआ घी जो है वो अपने वापस जो है वो फेंक देती है, बाहर निकाल देती है। ये इसकी टिप है। तो आपने भी इसी तरीके से इसको जो है, ये हमारे गुलाब जामुन जो है ये रेडी हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करके इसको छन्नी की मदद से हमने उठा लेना है, और उठा के जो है अच्छे तरीके से इसका घी देखें माशाल्लाह प्यारे। ठीक है, इसको हम शीरे के अंदर डालेंगे। ये थे आपके गुलाब जामुन, खोए वाले गुलाब जामुन, पाउडर वाले गुलाब जामुन नहीं है ये खोए वाले जामुन हैं। और माशाल्लाह इसकी चमक देखें, खूबसूरती देखें इसकी, माशाल्लाह बहुत प्यारे ये गुलाब जामुन तैयार। अभी ये थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि अच्छे तरीके से ये शीरा जो है ये पी ले, और इसके बाद जो है ये ठंडे करेंगे, और ठंडे करके इसको प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकाल के सजा के जो है मैं आपको दिखा दूंगा जी। तो आपने देखा कि माशाल्लाह मैंने गुलाब जामुन जो है ये खोए के आपको बना के सिखा दिए। लम्हा ब लम्हा छोटे छोटे जो मेरे पास आइडियाज थे या जो मेरे पास टिपे थी वो मैंने आपको सिखा दी, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जो है वो आपको इसको जरूर बनाएंगे, और बना के अपने प्यारों में, अपने हमसाओं में और अपने अजीजों में इसको तकसीम करेंगे, और इज्जत मोहब्बत और प्यार वसूल करेंगे आप। और मैं समझता हूं कि बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मसला बने तो आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि ना सुपारी नजर आई ना सरोता निकला, ना सुपारी नजर आई ना सरोता निकला, माँ के बटुए से दुआ निकली वजीफा निकला, और एक नवाले के लिए जिसे मैंने मार दिया, एक नवाले के लिए जिसे मैंने मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। इसके साथ ही अफजल नामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।